तो विजय तिलक की तस्वीर साफ हो चुकी है और सबसे बड़ी जीत जो हुई है आज मैनपुरी में हुई है। सीधे रुख करते हैं नितिन का। नितिन, आपके साथ तमाम लोग मौजूद हैं, नेताजी को चाहने वाले लोग मौजूद हैं, जीत का जश्न मनाया जा रहा है, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने 2024 का भी टारगेट आज ही सेट कर दिया है कार्यकर्ताओं के लिए। देखिए बिल्कुल, मैनपुरी की जनता ने डिंपल यादव का विजय तिलक कर दिया है और जिस तरीके से ये इलेक्शन नेताजी के निधन के बाद पहली बार पूरा जो सैफई कुनबा उनके निधन के बाद जनता के कसौटी पर कसना था, जनता ने उसे कसौटी पर कस दिया है और ऐतिहासिक जीत है। और कहीं ना कहीं इस चुनाव को लेकर जो एनालिसिस था, अब लगातार जिस तरह से बीजेपी इस किले को इसलिए छीनना चाहती थी कि मिशन 80 के लिए वो ये मैसेज दे सके कि समाजवादी पार्टी अपने घर और अपने गढ़ में भी हार गई है, तो यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और आज ये ऐतिहासिक जीत है, ये ऐतिहासिक जीत है। और कहीं ना कहीं निराशा के भंवर में जो समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता डूबे हुए थे उनके लिए क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। तो अब जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे हम बात करें मैनपुरी की, रामपुरी या खतौली की, लेकिन जो सबसे बड़ा जश्न है वो इस वक्त मैनपुरी में चल रहा है क्योंकि ऐतिहासिक जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है। और इसके साथ ही साथ नेताजी मुलायम सिंह यादव की विरासत की जो बात हो रही थी, श्रद्धांजलि की जो बात हो रही थी, उसको लेकर समाजवादी पार्टी को एक संजीवनी मिली है। और क्या माहौल वहां पर बना हुआ है ये जानने के लिए हम सीधे रुख करते हैं मैनपुरी का। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे बने हुए हैं। वीरेश जी, इस वक्त आप कहां पर हैं और अब मैनपुरी के मन में क्या है, क्या माहौल है, क्योंकि चुनाव तक तो बड़ा वहां टेम्परेचर हाई था, अब वहां के तापमान की क्या स्थिति है? देखिए, मुलायम सिंह यादव के स्वर्गवासी होने के बाद जो एक नया तीर्थ स्थल सैफई में बन गया है, ये समाधि स्थल है मुलायम सिंह यादव का, जहां मैं खड़ा हूं और ये गुलाब की पंखुड़ी से सजाया गया है। और क्योंकि अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, खत्म होने के बाद अपनी पत्नी और मैनपुरी से चुनाव जीती डिंपल यादव और शिवपाल यादव के साथ पूरा कुनबा यहाँ इकट्ठा होगा और श्रद्धा सुमन, पुष्पांजलि और आदर का भाव प्रकट होगा। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के पुरोधा, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, समाजवादी पार्टी और मैनपुरी सैफई के दिलों में बसने वाले मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देंगे और ये जीत मुलायम सिंह यादव के प्रति श्रद्धांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि, जैसा कि कह रहे हैं अखिलेश यादव और डिंपल यादव खुद ब खुद यहाँ की जनता ने श्रद्धांजलि देने के लिए इतने वोटों से जिताया है जितना तो नेताजी के जिंदा रहने पर, नेताजी को 2019 में नहीं जिताया था। अकेले जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से शिवपाल विधायक हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है, 1 लाख से ज्यादा मतों से डिंपल यादव विजयी हुई है और ये रिकॉर्ड है। कभी मुलायम सिंह यादव को भी वो स्नेह, वो प्यार नहीं मिला जसवंत नगर से, जो आज डिंपल यादव को मिला है। और मुलायम सिंह के जाने के बाद श्रद्धांजलि के तौर पर डिंपल यादव की झोली में, समाजवादी पार्टी की झोली में वो आशीर्वाद जसवंत नगर की जनता ने दिया है, जो स्नेह और प्यार दिया है भाभी के तौर पर अखिलेश यादव की पत्नी के को, और साथ ही जो बहू के रूप में शिवपाल यादव दुहाई दे रहे थे कि मेरी पत्नी है, मेरी बहू है और अखिलेश यादव की पत्नी है, तो भाभी के तौर पर, बहू के तौर पर उन्हें जिता दीजिए। हर भाषण, हर सभा, हर रोड शो में यही बात देखने को मिली और निश्चित रूप से यहाँ पर जो जनता रही है जसवंत नगर की, जो जनता रही है करहल की, किसनी की, मैनपुरी की, भोगांव की, उसने जो मुलायम सिंह के साथ नहीं किया, जो मुलायम सिंह को उतना वोट नहीं दिया जितना डिंपल यादव को इस बार दे दिया। मुलायम सिंह यादव भोगांव से 19 का चुनाव हारे थे, मैनपुरी से चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार जो आशीर्वाद, जो स्नेह दे दिया है डिंपल यादव को यहाँ की जनता ने, मुलायम सिंह के मरने के बाद, मुलायम सिंह के निधन के बाद, जो ये एक समाधि स्थल बना है और समाधि स्थल अब एक तीर्थ स्थल के तौर पर नव समाजवाद को बहुत तेजी के साथ प्रकाशित करने का काम लोहिया के बाद, अगर जो समाजवाद को चारों तरफ
फैलाने, उसे जमीन पर उतारने, समाजवाद को शिखर पर पहुंचाने का काम और समाजवाद की सरकार देश के सबसे बड़े सूबे में बनाने का काम एक बार नहीं बल्कि चार बार करने का काम करने वाले मुलायम सिंह यादव को वो स्नेह, वो प्यार, वो मोहब्बत जो यहाँ की जनता ने मरने के बाद दिया है उनकी बहू डिंपल यादव की, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस जज्बे के साथ, जिस शिद्दत के साथ, जिस मजबूती के साथ, जिस रणनीति के साथ यहाँ पर सैफई परिवार को घेरने की कोशिश, पुरजोर कोशिश की, हर वो ताकत, हर वो प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, क्योंकि ये मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी चुनाव, यहाँ तक कि ग्राम प्रधानी का भी चुनाव लड़ा गया विदेशी, लेकिन परिणाम हालांकि रामपुर का पक्ष ने तो आया, लेकिन मैनपुरी में बातचीत बनी रही। आपके पास आएंगे। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।